खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया गया गया। सो ब्यूटिफुल, सो एलिगेंट, जस्ट लुकिंग लाइक अ वाओ। साल 2024 में अयोध्या के राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हो जाएगी। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर अयोध्या में राम मंदिर बन गया है, लेकिन साल 2024 के लोकसभा चुनाव में राम मंदिर बीजेपी के लिए ऑक्सीजन की तरह काम करेगा। राम मंदिर पर साल 2019 में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया था और राम मंदिर निर्माण के लिए लगभग 3 एकड़ जमीन दी थी। इसके बाद अगस्त 2020 में प्रधानमंत्री मोदी ने राम मंदिर की नींव रखी और इसके बाद राम मंदिर का निर्माण शुरू हुआ। हालांकि कोरोना की वजह से राम मंदिर के बनने की स्पीड पर ब्रेक तो लगा, लेकिन साल 2023 में राम मंदिर निर्माण में तेजी आई। इस मंदिर की खास बात यह है कि इस पूरे मंदिर निर्माण में लोहे की एक कील तक नहीं लगी है और सारे पत्थर को इंटरलॉकिंग से बनाया गया है। 1800 करोड़ की लागत से बन रहे इस मंदिर में मुख्य मंदिर के निर्माण में इतना पैसा खर्च नहीं हो रहा है जितना उसके परकोटे को बनाने में किया जा रहा है। मंदिर में स्थापना के लिए भगवान राम की 3 मूर्तियां बनाई जा रही हैं, जिनमें से एक को मंदिर में स्थापित किया जाएगा। दिसंबर 2024 तक मंदिर का ग्राउंड फ्लोर तैयार हो जाएगा। 22 जनवरी को मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा होगी और इसके बाद इस मंदिर को भक्तों के लिए खोल दिया जाएगा। मंदिर की पहली मंजिल का निर्माण दिसंबर 2024 तक होने की उम्मीद जताई जा रही है। दूसरी मंजिल का निर्माण भी साल 2025 तक पूरी होने की उम्मीद है। लोकसभा चुनाव से ठीक पहले राम लला के मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा को बीजेपी चुनावों में खूब भुनाएगी। खास तौर पर यूपी में तो बीजेपी को इस मुद्दे पर अच्छा खासा फायदा मिलने की उम्मीद है। हिंदुत्व पर चुनाव लड़ने वाली बीजेपी लोगों के बीच ये कहकर जाएगी कि बीजेपी वो पार्टी है जिसने राम लला को टेंट से निकालकर भव्य मंदिर में पहुंचा दिया। राम मंदिर का मुद्दा लोगों के लिए भावनात्मक मुद्दा है। साल 2023 में राम मंदिर बीजेपी के लिए सबसे बड़ा तोहफा बनकर आया है, जो उसे एक बार फिर से लोकसभा चुनावों में जीत दिलाता दिख रहा है।